नए चीफ जस्टिस के आते ही तूफानी फैसले से देश में मचा बवाल। बाबरी, गोधरा, मोदी, योगी एक हफ्ते में कई पुराने केस पर चला हथौड़ा। 74 दिन में ललित बदल देंगे सोच, पांड्या की तरह ताबड़तोड़ बैठे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश की सियासी पार्टियों की नींद उड़ा दी। जो चाहते थे गोधरा केस तब तक चले जब तक मोदी जिंदा है, तो उनके मुंह पर सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार हथौड़ा मारा है। योगी को जो लोग दंगाई समझते थे उन्हें भी करारा जवाब मिला है। ऐसे केस जो सियासत की चक्की में दशकों से पीस रहे थे, यू ललित ने कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी संभालते ही सबकी धुनाई हार्दिक पांड्या की तरह कर डाली है। यू ललित ने 27 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ली, लेकिन 29 अगस्त को कुर्सी पर पहला दिन और फिर दूसरे ही दिन धमाकेदार फैसला लेकर बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट से सियासत दूर रखना। जो केस सियासत के दबाव में मरने के बाद भी जिंदा थे उनकी फाइल तुरंत बंद कर दी गई, और इसके लिए देश भर में मुख्य न्यायाधीश यू ललित की तारीफ हो रही है। गुजरात दंगों के कुल 9 केसों की सुनवाई अब तक हो रही थी। यू ललित ने आते ही पहले दिन 8 केसों को बंद कर दिया। गुजरात दंगे में पीएम मोदी को कई बार क्लीन चिट मिल गई, फिर उन्हें फंसाने के लिए बार बार कोर्ट का वक्त खराब हुआ। बाबरी ढांचा गिराने पर शुरू हुई अवमानना का केस भी बंद। यू ललित ने पहले ही दिन बता दिया ये सब ड्रामा बंद, साथ में जो कहा वो सबको सुनना चाहिए, भरोसा बढ़ जाएगा। पहले ही गुजरात दंगों से जुड़े 9 केस की जांच के लिए SIT का गठन हो चुका है। इनमें से 8 केस का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। नारोदा गांव से जुड़े एक मामले की सुनवाई अभी जारी है। पीड़ित परिवारों के वकील भी SIT की जांच पर सहमति जता चुके हैं। ऐसे में इन मामलों का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए कोर्ट मानती कि इन याचिकाओं पर अब आगे विचार करने की जरूरत नहीं है। इतना वक्त बीत जाने के बाद मामले की सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अभी रिपोर्ट मत छोड़िए, क्योंकि आपके लिए और कुछ भी है। यू ललित साहब अगर 2 साल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह जाते तो देश का पूरा नक्शा ही बदल सकते थे, लेकिन 74 दिनों में भी वो बवाल लाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से कुछ दिन पहले जस्टिस यू ललित एक दिन सुबह 9:30 बजे कोर्ट आ धमके और एक सुनवाई के दौरान कहा कि जब हमारे बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो हम लोग 9 बजे कोर्ट क्यों नहीं आ सकते। अब वो CJI बन गए तो उसकी पूरी संभावना है कि कोर्ट की टाइमिंग भी बदल दी जाए, जनता का भला हो जाए, कोर्ट में जजों की मनमानी पर रोक लग जाए और यू ललित कुछ ऐसा कर जाए जो बाकी मुख्य न्यायाधीश नहीं कर पाते हैं। इसलिए बुजुर्ग कह गए, कोर्ट कचहरी में मत पड़ना। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि 70,000 केस सुप्रीम कोर्ट में आज भी न्याय की लाइन में खड़े हैं। देश के अलग अलग हाई कोर्ट में कुल 42 लाख केस पेंडिंग में क्यों पड़े हैं? देश के सभी छोटे बड़े कोर्ट में करीब 4,70,00,000 केस पेंडिंग में है। 15% मामले ऐसे हैं जो 10 से 30 साल पुराने हैं। कितने लोग तो मर गए। तो यू ललित से यही उम्मीद है कि वो जनता के फैसले में भी तेजी लाएं। किसी भी सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा छुट्टी न्यायपालिका में होती है, इसलिए यहाँ भी सुधार करना होगा, कम छुट्टी काम ज्यादा करना होगा। रिटायर होने से पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने भी कमाल का फैसला सुनाया। साल 2007 में गोरखपुर में हुए दंगों में दंगा फैलाने का आरोप योगी पर लगा, ऐसे में उन्होंने जाते जाते एक केस भी बंद कर दिया। गुजरात से लेकर गोरखपुर तक योगी मोदी के लिए एक हफ्ते में कई बड़े फैसले आए। गुजरात से लेकर UP तक योगी मोदी को दंगाई बनाने का कोई मौका विरोधी पार्टियों ने नहीं छोड़ा। गुजरात में मोदी बुरे बने क्योंकि गोधरा हुआ, लेकिन गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस में 57 हिंदुओं को किसने मारा, आज तक इस पर बात नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त सिर्फ एक धर्म का मुद्दा उठाया। यहां तक कि कोर्ट में भी लड़ाई साबरमती की उतनी नहीं चली जितनी गोधरा की चली। अब यू ललित ने केस को खत्म करके साफ संदेश दे दिया, सियासत करना है तो अलग कचहरी खोलकर राजनीतिक पार्टी रोज फैसला करे, लेकिन जनता की अदालत में सिर्फ न्याय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।